हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस। एंड ये अपनी सीरीज है सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें न्यूज है डायरेक्ट टैक्स रिसीप्ट्स जंप दिस फाइनेंशियल ईयर, कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है वो अब की बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो पहले तो देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली लगता है इंडिविजुअल पे या कॉरपोरेशन पे, है ना। चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई कंपनी हो, उसके ऊपर डायरेक्टली ही उन लोगों को पे करना होता है। दूसरा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तीन तरह के होते हैं, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है एंड वेल्थ टैक्स है। ओके, कॉरपोरेट टैक्स कंपनीज पे लगता है, इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पर्सनल इनकम होती है उस पर लगता है, और वेल्थ टैक्स लगता है जो जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है काफ़ी सारी और फिर उसको हम जब बेचते हैं तो उस टाइम पे वो वेल्थ टैक्स लगता है ना। और ये जो टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, मतलब जितना आप ज़्यादा कमाएंगे उस पर उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे आपको टैक्स ज़्यादा पे करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बराबर ही लगता रहे हमेशा आपकी जितने भी इनकम हो, ऐसा नहीं होता इसमें। जैसे 5 लाख पे अगर 10% लग रहा है तो जब 10 लाख होगा तो उस पर 20% लगेगा, और 30 लाख हो गया तो उस पर 40% लग सकता है। मतलब ये भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है। ओके, प्रोग्रेसिव है। तो ये इसलिए है कि जो समाज में जो इनइक्वलिटी है ना वो कम हो सके। इसमें होता है जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा के वहाँ से जो पैसा कलेक्ट होगा वो दूसरी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में लगाया जाएगा, है ना। सो दैट कि जो समाज में डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ का हो, है ना, इनकम का हो, वो इतना ज़्यादा गैप ना क्रिएट हो सके, है ना, अमीरी और गरीब लोगों में ज़्यादा गैप इकट ना हो, इसलिए ये प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है ना, ताकि वहाँ का पैसा थोड़ा सा ट्रांसफ़र करके वेलफेयर में लगाया जा सके पूरे लोगों के लिए। तो इसलिए ये ज़्यादा होता है। दूसरा, ये नॉन इन्फ्लेशनरी होता है। ओके, कि इसमें इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस नहीं होता कि मतलब मतलब टैक्स के कम या ज़्यादा लगाने से इन्फ्लेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इन्फ्लेशनरी होता है, डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशनरी नहीं होता, ये याद रखना है। अब न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में यही था कि ये डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट ज़्यादा क्यों हुई अब की बार, रीज़न क्या है। तो इकोनॉमिस्ट ने बताया है कि एक तो जो एक्सपोर्ट्स थे हमारे वो काफ़ी अच्छे रहे अब की बार, हेल्दी एक्सपोर्ट्स रहा हमारा। एंड दूसरा, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम्स थी वो चलाई थी इस वजह से। तो अब न्यूज़ यही कि एक्सपोर्ट अच्छा रहा, वन थिंग। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी ना, वो पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे तो मतलब एक तरह से ब्रेक सा आ गया था, लेकिन अब की बार वो थोड़ी कंटिन्यू रही, उनमें इतना ज़्यादा मतलब ब्रेक नहीं आया कि एकदम स्टॉप कर दिया, वो मतलब चल रही थी ऐसे। तो दूसरा ये, फिर ये स्कीम चलाई विवाद से विश्वास स्कीम, इसमें ये डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम थी, है ना। जो जिनका डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई आईटी डिपार्टमेंट के साथ कोई केस पेंडिंग पड़ा है ना, उसको मतलब सॉर्ट आउट किया गया इसमें, मतलब एडजस्ट किया गया दोनों साइड से ही कि भाई आप इतना परसेंट कम दे दो, या फिर इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, या फिर ऐसे ऐसे करके पेनल्टी कम लगेगी आपको, मतलब ये भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐसे केस मतलब सॉर्ट आउट किया गया इसमें। और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थी यह स्कीम, और इसके बाद ये एक्ट भी आया है डायरेक्ट टैक्स विश्वास से भी सॉरी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। ओके, ये हमारा एक्ट आया, और ये स्कीम याद रखना है, विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है। और ये हमने देख लिया कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इस न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू सो मच।